दोस्तों, लगता है मेरा समय आ गया है मेरे बच्चों की रक्षा करना। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे दोस्त। हमें छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तरह बहादुर और महान बनाएंगे। अलविदा प्यारे दोस्त, अलविदा, अलविदा। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, हमें तुम पर गर्व है। शेर खान जी, आपकी चाल कामयाब रही, राजा अब नहीं रहा, शिकारियों ने हमारा काम आसान कर दिया। अब उसके बच्चों को जंगल के बाकी जानवर पालेंगे। तुम्हें यकीन है वो नहीं रहा? अभी उनकी बातें सुनी, आपकी इच्छा पूरी हुई जनाब। अब वक्त आ गया बताने का कि असली राजा कौन है। साथियों, राजा हमारे बीच में नहीं रहा और इस दुख की घड़ी से बाहर निकलकर अब हमें फैसला करना है कि उन तीन बच्चों को कौन पालेगा। हम में से कौन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगा? जाहिर सी बात है, भेड़ियों से अच्छा शिक्षक इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही तो मोगली को अपने पैरों पर खड़ा किया था। ये सच है कि राजा के तीनों बच्चों को पालना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने हमारे दोस्त राजा से उनके आखिरी वक्त में वादा किया था, इन्हें पालने में हम सबका योगदान रहेगा, लेकिन उन्हें चमेली के साथ ही रहना होगा। अगर आप कहें, आप सबकी क्या राय है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। मान गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काओ, काओ। तुम सब तीन बच्चों की बात कर रहे हो, पर यहाँ तो सिर्फ दो ही हैं। काओ। सिम्बा कहीं खो गया है? वो राजा का लाडला बेटा है, बस वो किसी मुसीबत में ना हो, आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि शेर खान के चंगुल में फंस जाए। मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जब उसे भूख लगेगी खुद ही आ जाएगा। आओ काओ से पूछते हैं, क्या उसने कहीं देखा है उसे? काओ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों वहाँ देखो, सब फैल जाओ, हमें उसे ढूंढना ही है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा तो जाल पर सो रहा है। वो जाग गया तो जाल में फंस जाएगा, हमें उसे बचाना होगा। वो क्या कर रहा है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटा सा सिम्बा मुसीबत में है और बघीरा को खेलने की पड़ी है। बढ़िया, वो मैं शायद गलत था, वो पागल नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो जान ही ले लेगा। ठीक है, हमने एक बार फिर से जानलेवा जाल को धोखा दे दिया, अब ये ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सिर फिरा तो है, लेकिन बुद्धिमान भी है। मैं कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों से वो चूक जाता बघीरा, तो अभी वो हमारे बीच ना होता। कितनी प्यारी नींद सो रहा है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, जाल नाजुक है। Ha 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 ha
तुम्हें बघीरा और हाथी को धन्यवाद कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। देख रहे हो ना ये कितना खतरनाक जाल है, आगे से ध्यान रखना। आज बघीरा ना होता तो तुम अपने पिता की तरह अपनी जान गंवा बैठते। क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? मेरे पिताजी नहीं रहे। जानती हूँ बहुत दुख की बात है, पर तुम्हें सबसे बच के रहना है सिम्बा, खास करके शेर खान से। पिताजी कहाँ चले गए? मालिक, क्योंकि और राजा नहीं रहा, आप इस जंगल पर राज करोगे। आप महान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो मालिक, ये सच है। आप जैसा कोई नहीं है इस जंगल में महाराज, सही कह रहा हूँ? बात हो गया, चुप रहो। अब यहाँ मेरा राज है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। मैं खतरनाक हूँ, रुक जाओ, वरना मेरे पंजों से नहीं बचोगे। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझ पर दया कीजिए महाराज। ये लो, दया कीजिए, वो मेरा है, वो मुझे दे दो। मालिक आपकी इच्छा मेरे लिए हुकुम है। अब जाकर समझे तुम, अब जाकर उन पिल्लों से निपटो तुम। जी बिल्कुल, ये दो पिल्लों की रक्षा राजा के पुराने दोस्त और बाकी जानवर कर रहे हैं मालिक। तो क्या ये छोटा सा काम मैं करूं? हाँ, जाओ जाकर खत्म करो ने। जैसा आप कहें मालिक। अभी जाकर उन पिल्लों को देखते हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं ये जंगल में कैसे राज करेगा। चलो भी सिम्बा, मन छोटा मत करो तुम, तुम्हें लड़ना है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ हुआ था, मेरे परिवार को भी शिकारी ले गए थे, पर मैं एक दिन उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं होशियारी से अपना बदला लेके रहूंगा। हाँ, बदला? हाँ जरूर। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो, तुम बदल गए हो। किसी को सजा देकर या बदला लेकर नहीं, ज्ञान पाकर ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। वो बुढ़ा हो चुका है, ज्ञान बांटता रहता है, उसे बड़बड़ाने की आदत है। तो ऐसे जताने की कोशिश करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं सिम्बा। समझ गया। अलविदा। सर ध्यान से। मैं थक गया हूँ। सिम्बा आ गया। मैं भी। अच्छा हुआ तुम घर आ गए, चलो अब आराम करो, जल्दी से अंदर आओ। बस करो तुम दोनों, चलो सोने चलो, लगता है तुम बाहर सोना चाहते हो। यही चाहता हूँ, क्योंकि जब से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ा है, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। समझ सकती हूँ। मुझे उसके साथ रहना है, क्या मैं उसके साथ बाहर ही सो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सो जाओ, मैं ध्यान रखूँ। चमेली माँ ने कहा है मैं तुम्हारे साथ बाहर सो सकता हूँ अगर तुम चाहो। सो जाऊँ? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ये बाहर कैसे सो सकते हैं? जब शेर खान उनके सर पर खड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा। चलो। तुम अंदर जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। आज रात मैं उन पर नजर रख लूंगा चमेली। शुक्रिया, मैं चली सोने। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कोई ऐसी सुनाना जिससे हमें अच्छी नींद आ जाए अगस्त्या। लेकिन क्यों, तुम कहानी क्यों सुनाना चाहते हो? ताकि भविष्य के लिए तुम सब तैयार रहो, ताकि तुम अपने आसपास की दुनिया को और समझो। ज्ञान पाने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, इसे कभी मत भूलना। क्या वो हर रात ऐसा करते हैं? हाँ वो सभी ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा बस सीखते पढ़ते रहें। Thank you.
जल्दी जल्दी जाते हैं। बड़ा मजा आएगा। बक्षात। कोई ऐसा नहीं, एक बार फिर बक्षात। थोड़ा पास चलते हैं। उठ जाओ। उठो। अभी तो सुबह भी नहीं हुई, सोने क्यों नहीं देते? सुबह सुबह कुछ हरी पत्तियाँ खाना बहुत अच्छा होता है। उठ जाओ बच्चों। सच में? इसे आज के लिए अमृत समझ लो और खा लो। शुक्रिया, पर मैं शेर हूँ, मुझे पत्तियाँ नहीं पसंद। इससे अच्छा कोई खरगोश पकड़ लाते। खरगोश में वो गुण कहाँ जो पत्तियों में होते हैं, मीठी पत्तियाँ। मुझे वो नहीं पसंद। खाकर तो देखो, वरना इसका स्वाद कैसे पता चलेगा। हम आज से हर रोज नए पौधे ढूंढेंगे। उम्मीद है कल वाले का स्वाद बेहतर हो। चलो चलते हैं, कल मिलेंगे। नाश्ते के लिए शुक्रिया। कल इतनी जल्दी मत आना। पत्तियों के साथ ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? कैसे हो नन्हे दोस्तों? सुनो, इससे पहले कि मैं सोने चला जाऊं, जंगल के नियमों वाली ये किताब तुम तीनों पढ़ लेना। हाँ, पकड़ो। ये सारे नियम आज रात को पूछूंगा। अच्छा, चलता हूँ, देर हो गई है। अलविदा, शाम को मिलते हैं। मेरे पीछे आओ सिम्बा, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? बस चलते जाओ। मुझे भी तुम्हारी तरह उड़ना तुम सिखा दोगी? तुम नहीं उड़ सकते सिम्बा, तुम्हारे पास पंख नहीं है। सिम्बा चलो भी। जरा रुको, बस आ रहा हूँ। जो मालिक को चाहिए वो पानी पर चल रहा है। देखो। हाँ, पर इतने छोटे बच्चे ने पानी पर चलना कैसे सीखा? ये नामुमकिन है। मैं अभी जाकर शेर खान को बताता हूँ। बाकी वहाँ देखो। ये तो बक्षोट और सिम्बा है। शेर खान तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। एक तो तुमने एक भी राजा के बच्चे को नहीं पकड़ा, ऊपर से वो अब पानी पर चलना सीख गए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखें ठीक है कि नहीं? शेर खान को जाकर खबर देनी होगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये मेरा काम है, अंदर कहीं के। अगर शेर खान को ये पता चल गया तो वो मुझे बिल्कुल निकम्मा समझेगा, लेकिन बताना भी जरूरी है। क्या करूँ? मालिक। कहो क्या खबर है? मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैंने और बंदरों ने राजा के एक बच्चे को हिरणों के साथ पानी में चलते हुए देखा है। मुझे डर है कि कहीं वो राजा की आत्मा तो नहीं। ये क्या बकवास है, मजाक कर रहे हो? इसका अंजाम पता है तुम्हें? उठो, होश में आओ। उठो, होश में आओ। ये लो, शायद इससे तुम्हें कुछ ठीक लगे। आओ, ये सब तुम्हारा है। मैं एक राजा हूँ, फिर भी तुम्हारी ये बकवास सुनकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जी हुजूर। खा लिया ना।
अब इधर देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुमने वहाँ पर क्या देखा? ये सच है मालिक, सिम्बा और बगचौट पानी पर चल रहे थे। तुम्हें पता है ये नामुमकिन है, पानी पर कोई भी नहीं चल सकता बेवकूफ। मैं जानता हूँ, पर मैंने और बंदरों ने देखा है, ये सच है। मेरा ख्याल है कि राजा का भूत बदला लेने के लिए वापस आ गया है महाराज। बकवास, भूत भूत कुछ नहीं होता। मुझे पता है तुमने जो देखा उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा जो तुम पता लगाओगे, समझे? कौन मैं, जिसे आप हमेशा बेवकूफ कहते हैं, इसके पीछे का कारण कोई बेवकूफ कैसे जान सकता है? अच्छा मजाक है। बकवास बंद करो, नन्हे पिल्लों को यहाँ लेकर आओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा, समझे? अब जाओ। पहुंच गए, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर आना। सुनो उमंग, क्या तुम मुझे तुम्हारी तरह तैरना सिखा सकते हो? माफ करना सिम्बा। क्यों नहीं? तो क्योंकि तुम एक शेर हो, शेर की खाल और पंजों की वजह से तुम तैर तो नहीं सकते, तुम जमीन पर रहने के लिए बने हो सिम्बा। जैसे मैं, चलते हैं। शुक्रिया उमंग, फिर मिलते हैं कल यहाँ इसी वक्त। अलविदा। अपना ख्याल रखना बच्चों। शुक्रिया ओमान। वो देखो अगर वो भाग गए तो इसकी सजा मुझे मिलेगी और मालिक की तरफ से खरगोश भी नहीं मिलेगा। सिम्बा ध्यान से, तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ हर तरफ जाल बिछे हो सकते हैं। बिना सर का शरीर? नहीं सिम्बा, थोड़ा ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये सवाना है, जिराफ। हाँ, उसका सर तो पेड़ के भी ऊपर है। सवाना जंगल की सबसे ऊंची जानवर है और प्यारी भी, वो मीलों दूर देख सकती है। कैसे हो प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया। क्या ये सिम्बा है, राजा का बेटा? हाँ। तुम्हारा सिर तो नारियल के पेड़ की तरह है, काफी तेज है। हाँ। ओह शैतान, मैं गिरने वाला हूँ। मुझे पता है अभी तुम छोटे हो सिम्बा, पर तुम्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। आज इसका यहाँ पहला दिन है, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। आज मैं इसे अपने सारे दोस्तों से मिला रहा हूँ, ये धीरे धीरे सब सीख जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ पता है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों, सारे भेड़िये मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों। क्या हम फिर से आ सकते हैं? हाँ, जब तुम चाहो आ जाओ, पर अभी जाओ, ठीक है? बक्शॉट, सिम्बा को कहाँ ले गए थे? मुझे चिंता हो रही थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। हम मगरमच्छ की सवारी कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो नदी में गिर जाते तो इस तरह उल्टा गिरते। अच्छा मजाक था, मैं एक दिन तैरना सीख जाऊंगा, देख लेना, फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, तुम बैठी रहना यहाँ जमीन पर। बस करो ये सब, अब बस कोई आवाज नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब सब शांत हो जाओ और सीधा अंदर चलो, खाने का वक्त हो गया है, इसके बाद परिवार के साथ मिलजुल कर रहना सीखेंगे। क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। मुझे पता है तुम्हें उनकी याद आती है, सभी को आती है। चलो अब सभी शांति से अंदर चलो और खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए सिम्बा, वरना सब खा लेंगे और तुम भूखे रह जाओगे। हर काम को वक्त पर ही करना चाहिए सिम्बा। हे
पता नहीं मैं राजा के बच्चों को कभी कुछ ठीक से सिखा पाऊंगी या नहीं। उन्हें इस जंगल में जीना है और इसके लिए ताकत की जरूरत है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सिम्बा के पिता से हमने वादा किया था। और मेरे बच्चों की जान बचाई थी। सिम्बा और उसके दोस्तों को एक नया परिवार मिल गया और एक नया प्यारा दोस्त भी, बकशॉट, जिसकी वजह से वो जंगल को जान रहा था। राजा के सारे दोस्तों ने उससे वादा किया था कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे, पर क्या वो सब मिलकर उसे राजा की तरह नेक दिल और उदार बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए।